बेटियों के अपने पिता के प्रति प्यार और लगाव का एक वीडियो मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर वायरल होकर सामने आया। इस वीडियो में एक बच्ची अपने पिता की नौकरी वापस मांगने के लिए हाथ में माइक थमाए विकास प्राधिकरण से रोते बिलखते हुए न्याय की गुहार लगाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है और प्राधिकरण की बीसी के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार भी बड़ी उन्मुखता से कर रही है। दरअसल पिछले 8 से 10 दिनों से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से छटनी के दौरान निकाले गए 110 कर्मचारी उनके परिजन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये वीडियो भी इसी प्रदर्शन का बताया जा रहा है। इस वीडियो में 10 से 12 साल की बच्ची धरना स्थल पर बैठे लोगों के बीच खड़ी होकर माइक के माध्यम से अपने पिता की नौकरी छूटने की पीड़ा बयान करने का प्रयास कर रही है। इस बच्ची के हाथ में माइक है तो आंखों में आंसू आए हुए हैं और इसने जो अपने पिता का दुख जिन शब्दों में जाहिर किया उससे वहां बैठे लोगों की आंखें नम हो गई। हालांकि कुछ देर बाद बच्ची का गुस्सा भी विकास प्राधिकरण की बीसी पर फूट पड़ा और उसने पूरी भड़ास निकाल दी। लेकिन इस वीडियो के सामने आने पर एक बेटी का अपने पिता के प्रति प्यार और लगाव साफ झलक आया। इस बच्चे का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। पापा जब रोते हैं तो बस मन करता है कि पापा रोए ना। मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि आज पापा परेशानी में है। पापा के सामने रोना नहीं है, आज आंसू है कल को खुशी भी होगी। बस बीसी मैडम हमारे पापा की नौकरी वापस दे तो बहुत दिन हो गए रोते हुए, अब नहीं रहा जाता। क्या नाम है आपका? मेरे पापा की नौकरी चली गई, पापा रोज रोते हैं मेरे सामने, मुझे नहीं देखा जाता। बस बीसी मैडम इतनी तो कठोर नहीं हो सकती जितना बन के दिखा रही। अभी तो कोरोना ही हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या इसके साथ में। ये तो मरेगी, सड़ सड़ के मरेगी, हमारे पापा लोगों को रुला रही है। एक महीने तो थोड़ा ज्यादा ही है। क्या नाम है जी? मेरा नाम पपीता है। 18 हजार कैसे आप घर का सर कहाँ चल रहा है? 3 महीने से पहले इन्होंने हमें सैलरी नहीं दी, अब इन्होंने हमारी सैलरी की है तो 25 तारीख से हमारी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। मेरे हस्बैंड 1996 से यहाँ पर जॉब करते हैं, 1996 का 25 साल हो गए हैं और नौकरी में दिक्कतें आती रहती है, लेकिन इन बीसी को शर्म नहीं आती है। कहाँ से आई है अधिकारी बन के आई है ये, जो ये हमारी नारियों की पीड़ा को नहीं समझती है। इनका घर होता, इनका परिवार होता, इनके बच्चे होते, आज ये हमारी पीड़ा को समझती, आज हमारा दर्द जानती जो हम बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। अपना दर्द ऐसा हमारा दर्द है, कौन हमारा दर्द यहाँ सुनने के लिए तैयार है? वो अपने घर में बैठे हैं, हीटर में हाथ सेक रही है। हम अपने बच्चों के लिए यहाँ ठंड में सड़क पर हम बीसी को यहाँ ला के खड़ा कर दें और फिर हम बताएंगे कि नारी शक्ति क्या होता है, है? वो हमारी नारी शक्ति को कमजोर ना समझे, उनके पास नारी शक्ति ही नहीं है, वो नारी शक्ति बेशक है लेकिन वो कलंक है नारी के नाम पे। यहाँ पे वो नारी नहीं है।